कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद का ये मजलिस पार्टी का मेरी उम्मीदवारी के पीछे क्या एजेंडा है ये सुनने के लिए आए सभी नौजवान मेरे बुजुर्ग भाइयों, हमारे कायद लीडर बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब, इनके हम शुक्रगुजार रहेंगे, तमाम रावेर यावल तालुका के वोटर शुक्रगुजार रहेंगे, सब बहुजन दलित मुस्लिम शुक्रगुजार रहेंगे कि पार्टी के माध्यम से उन्होंने मेरे जैसे माइक्रो माइनर समझे जाने वाले धोबी जाति के समाज के नुमाइंदे को आपका नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर उम्मीदवारी कायम की। यहाँ पर हमारे प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहब, इनका मैं हर एक विधानसभा का भाषण सुनता था, उसके पहले संसद में बैरिस्टर असद साहब का हर एक भाषण सुनता था, फिर अपने महाराष्ट्र में उठा वंदे मातरम का मसला हो, असद साहब ने तीन तलाक के लिए अपने मुस्लिम समाज की आवाज संसद में कायम करने के लिए किया हुआ भाषण हो, या फिर किसानों के लिए औरंगाबाद क्षेत्र के लिए हमारे इम्तियाज जलील साहब ने जो जो मुद्दे और जो जो बातें वहां पर रखी आज यूट्यूब पर कायम है। जब मुसलमानों की एक आवाज संसद में घूम रही है, बहुजन दलितों के लिए बात की जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ हमारे को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो इस दबाने वाले लोगों के साथ में रहना चाहिए या फिर जो मुसलमानों की बहुजनों की हमारे जैसे धोबी नाई कुम्हार सुतार ऐसे बारह बलूतेदारों की आवाज बन रहे हैं उन लोगों के साथ में रहने को चाहिए। ये जब फैसला करने का समय मेरे सामने आया तो मैंने एएमआई पार्टी का साथ देने के लिए और उसके माध्यम से आपके सामने आपका एक बेटा, आपका एक भाई, आपका एक गांव का लड़का समझकर ये उम्मीदवारी कायम की है। बताया जा रहा है कि एएमआई पार्टी के लोग और मुस्लिम समाज के लोग धोबी जाति के हिंदू समाज के लोग आदमी को या तो उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। मैं इन सभी लोगों को जो ये अफवाह फैला रहे हैं उन सभी लोगों को मैं पूछूंगा कि 70 सालों में जिन हमारे मुसलमान भाइयों ने, जिन हमारे बारह बलूतेदारों ने, जिन हमारे दलित और पिछड़ों वर्गों के एससी लोगों ने जब कांग्रेस के हिंदुओं को वोट दिया, बीजेपी के हिंदुओं को वोट दिया, कभी कभी राष्ट्रवादी के हिंदू भी यहाँ पर खड़े रहे उनको वोट दिया, तो क्या आपको